चलो इसका क्या पूछा है, HCF। तो भिन्न का HCF निकालने का क्या तरीका है बच्चों? ऊपर वाले का, हाँ सेम जो पूछा जाए, जैसे यहाँ पे HCF पूछा है तो ऊपर वाले का सेम, ऊपर वाले का क्या निकालना है HCF, जबकि नीचे वाले का LCM निकाला जाता है, राइट। यदि LCM पूछता तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF, ओके। HCF का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी से पूर्णतः, सभी से नहीं, सभी को पूर्णतः विभाजित कर दे। और आप लोगों को बताए थे सोचने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना है। HCF में सबसे छोटा नंबर देखा जाता है कौन सा? क्या ये सबसे छोटा नंबर सभी को डिवाइड किया? नहीं। तब क्या सोचते हैं कि 12 को काटने वाला इससे छोटा नंबर, 12 को काटने वाला इससे छोटा नंबर क्या हो सकता है? बोलो बोलो। 6 4 3 2 1, यही हो सकता है। 12 को काटने वाला 12 से छोटा ये सारे नंबर हैं। 12 से तो सभी नंबर नहीं कटा, क्या 6 से कटा सारे नंबर? 4 से, 3 से, 2 से, तो लास्ट में HCF क्या होगा? किसी से ना कटे तो एक तो सभी को काटने के लिए तैयार रहता है, और नीचे का LCM। तो 14, 35 और 49 का LCM तो निकाल ही सकते हैं आप। 14, 35 और 49 का LCM किससे कटेगा? बोलो। 7 से, 7 × 2 = 7, 5 × 7 = 49। 5 × 2 = 7, 49 × 10 = 490। क्या यही उत्तर होना चाहिए? आंसर होना चाहिए बी फॉर बिहार। और आप ऑप्शन से भी थोड़ा बहुत HCF के बारे में सोच सकते हैं। 3 दिख रहा है और एक दिख रहा है, 3 से तो कटा नहीं रहता है, एक ही होगा क्या? ये भी संभावना है। समझ में आया सभी को? भिन्न का LCM और HCF कुछ भी पूछे तो इसी तरीके से आपको निकाल देना है। चलिए अगला सवाल यहाँ से स्टार्ट। और पहला उत्तर किसका आता है? पहला उत्तर कौन देगा? जितने 14 का नाम मैंने बोला है उसमें से किसी एक का उत्तर फास्ट, 1 2 3 का वैल्यू होगा। 1 2 3 हाथ उठाएंगे सभी, लीजिए। क्वेश्चन कोई बच्चा नहीं लिखेगा, क्वेश्चन नहीं लिखना, बनाना है सिर्फ। पीडीएफ सारा का सारा आपके ग्रुप में जाएगा। अब जो है लिखा हुआ तो आप ही को समझना है। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, अभी तक मैं तो खींच देना था। एनीबडी एनीबडी आ गया? उत्तर भी बोलना है, खाली हाथ नहीं उठाना है। कौन सा? अच्छा एक चीज ध्यान दे, ओहो, बी में पता नहीं क्या है, सी में पता नहीं क्या है, ओहो ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। आंसर ले आए आप लोग? आंसर तो ले आइए कम से कम। एक्चुअली ऑप्शन छट गया बच्चों, डोंट वरी, बी सी डी ऑप्शन गायब हो गया, बना तो सकते हैं ना। चलिए कितने लोगों ने बनाया, हाथ उठाओ। 1 2 3 यू 4 और कोई? देखो 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 सवाल कैसा था, ध्यान से सुनो। 8000 रुपये में क्या खरीदा? और बताएं ये किस चीज़ का सवाल है? हाँ किस एग्ज़ाम का सवाल है ये? ग्रुप डी का। किसका? रेलवे ग्रुप डी का सवाल है। 8000 रुपये में 2 ड्रम खरीदे, पहले को 40% और दूसरे को बेच दिया। यदि दोनों ड्रम सेट्स का विक्रय मूल्य समान है, उनका क्रय मूल्य कितना? यानी 2 जो ड्रम खरीदा दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य पूछ रहा है, राइट। माना पहला ड्रम एक्स रुपये में, दूसरा ड्रम वाई रुपये में, पहला को 40% लाभ पर बेचा, तो ये कितने परसेंट पे बिका? 140।
कोई भी क्रैमूल्य अपने आप में 100% होता है, कोई भी क्रैमूल्य अपने आप में 100%। कहेंगे 20% लाभ पर बेचा, यानी क्रैमूल्य का 120% पर बेच दिया, 30% लाभ हुआ, मतलब क्रैमूल्य के 130% लाभ पर बेच दिया। तो पहला बिका 40% लाभ, यानी क्रैमूल्य का 140% में बेच दिया। दूसरा 40% हानि, हानि मतलब 60%, 40 घटाओ 100 में, यानी क्रैमूल्य के 60% में बेचा, कितने परसेंट में, 60% में, राइट। पहला को इतने में बेचा, दूसरे को इतना में बेचा, कहा दोनों का विक्रय मूल्य समान है, क्या है, 20 का पारा पढ़ो, 20 सते इतना डेढ़ सौ बोलता है, 20 सते 140, 20 दिया एक्स और वाई का यहां से रेशियो बोलो उलट जाएगा। इस केस में क्या होता है, जो बच्चे को नहीं पता तो सीख लो, जैसे 2a बराबर यदि 3b है तो a और b का रेशियो कैसे निकले हैं, 3:1, कोफिशियंट उलट जाएगा, राइट। x और y का रेशियो कितना, 3:1, यानी x का क्रैमूल्य 3 और y का क्रैमूल्य 7। रेशियो में दोनों का क्रैमूल्य पता चल गया, राइट। कहेंगे रेशियो में दोनों मिलके कितना, और रुपया में दोनों मिलके टोटल, तो ये 10 से एक जीरो कट जाएगा, रेशियो 1 का मान क्या मिला बोलो, तो पहले का क्रैमूल्य 8 दिया और दूसरे का 8 सते, दोनों का क्रैमूल्य पूछा था, क्या कोई दिक्कत, क्या सही है, फटाफट बना सकते हो इस तरीके से, और जितने अच्छे से आप जाने ये फास्ट स्पीड मांधी की तरह खींच दोगे क्वेश्चन, क्या कोई दिक्कत किसी को नहीं, चलिए। रोहित की वर्तमान आयु निशांत की आयु की 3.5 गुना से 6 साल कम है, किसका पूछा है बालक, रोहित का, किसका, रोहित का, रोहित का मान लेते हैं कुछ भी, मान लो एक्स, माना रोहित का उम्र एक्स, रोहित की वर्तमान आयु, ये रोहित की वर्तमान आयु यानी एक्स जो है वो बराबर है किसके, कहा निशांत की आयु के 3.5 है ना, 3.5 गुना से 6 साल कम है। 3.5 गुना को चाहो तो दिन में भी ले सकते हो, 3.5 का मतलब 7/2, 3.5 मतलब 7/2। तो कहा ये रोहित का जो उम्र है, निशांत, निशांत का उम्र वाई मान ले बोलो, कहा निशांत के उम्र के कितना गुना, 7/2 गुना से भी कितना कम, 6 साल कम है, यही तो बोला है, कोई दिक्कत यहां, आवाज हो, अब क्या कहता है, अगले साल निशांत की आयु रोहित की आयु की 1/3 हो जाएगी। अब किसके बारे में फिर बोलना शुरू किया, निशांत की आयु, तो निशांत की आयु अगले साल क्या होगा, कहा निशांत की आयु जो है वो रोहित, रोहित का कितना अगले साल, इसका है 3/5, ये कह रहा था जबकि उल्टा लिख रहा था ना, कहाँ ध्यान रहता है रे, पता नहीं क्या सोचते रहता है, समझ में नहीं आता। तो किसका वैल्यू निकालना है हम लोगों को, वाई का, सॉरी एक्स का, रोहित, रोहित एक्स माने है ना, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो चलो क्रॉस गुणा करो तो क्या मिलता है, 3y+3 बराबर एक्स प्लस 1, राइट। हाँ, वाई निकाल के एक्स निकालने, क्या वही इजी रहेगा, चलो तो 3y+3, एक्स का मान बच्चों कितना, 7y/2 + 1 - 6, चलो 3y+3 बराबर 7y/2 - कितना, -5, मल्टीप्लीकेशन कर दें बोलो, या फिर उसको उधर लेके चले जाओ, तो ये दोनों एक साथ आएगा तो घटेगा, 2 + 3 = 6, 7 - 6 गया, y/2 बराबर कितना, 5 × 3 = 8, सही है, वाई का मान मिला कितना, 16, वाई का मान 16 मिला, एक्स का वैल्यू बता दो, वाई का मान 16 बैठा, वाई का मान 16, 2 × 8 = 56 में 6 गया,
छापना चाह रहा था क्या? बताइए ना, कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ी नहीं था? गड़बड़ी कहाँ था? अरे वो निशांत को पढ़ ही नहीं रहा था कोई, पहले लाइन में रोहित बोला, अगले लाइन निशांत बोल रहा था। क्या करते क्या है? हमको अपने से ज़्यादा आप लोगों पे गुस्सा आ रहा है, करते क्या हो? चलो इसको रेशो से बनाया जाए। रेशो से बनाते हैं, देखो ये रहा रोहित और ये रहा निशांत, ठीक है? रेशियो दो लोगों के बीच तो तभी लिख सकते हैं हम लोग जब गुना में रिलेशन हो। रेशियो कब लिखा जाता है? जब गुना में रिलेशन। पहला लाइन से तो आप रेशियो लिख ही नहीं पाएंगे, पहला में गुना करके फिर छौक कम कर दिया तो रेशियो लिखा ही नहीं सकता है। अगला लाइन में सिर्फ गुना का रिलेशन दिया है, दिया है क्या दिया है? देखो कहता अगले साल निशांत की आयु रोहित की आयु की एक तिहाई होगी। निशांत की आयु रोहित का आयु का एक तिहाई, मतलब समझ रहे हैं? ऐसा रेशियो होगा, नहीं समझे क्या? यदि रोहित 3 वर्ष का होगा तो इसका एक तिहाई निकालो ना, 3 का 1/3 क्या होगा? 1 होगा कि नहीं? हम लोग क्या करते हैं, अनुपातिक संख्या x मानेंगे तो ये 3x हो जाएगा, तो ये कितना होगा बोलो? x हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है ये 3x तो ये कितना? x हो गया। अच्छा ये कब का माने? एक साल, वेरी गुड। तो इसका वर्तमान क्या होगा? 1 घटेंगे, 1 माइनस होगा। अरे ये 1 साल बाद का है ना, तो 1 साल बाद से वर्तमान आने के लिए 1 साल माइनस ना होना पड़ेगा, तो इसका 1 साल पूर्व क्या होगा? और इसका ये रोहित का और ये निशांत, कहा निशांत का जो उम्र है क्या? वर्तमान। वर्तमान देखो तुलना हुआ है, रोहित की वर्तमान आयु निशांत की आयु का 3.5 गुना से 6 साल, ये रोहित है। रोहित का उम्र निशांत के उम्र का कितना गुना? 7/2। आप एक तिहाई जा रहे हैं, फिर गड़बड़ करिएगा। अरे यहाँ आ गए ना, 7/2 से कितना कम? इसको सॉल्व करो, देखो उत्तर आ जाएगा। क्या करें हम, इसको सॉल्व करना हो फास्ट तो कैसे सॉल्व करोगे? एक्स निकालो, उत्तर आएगा तुम्हारा। और जो एक्स आएगा उसमें 3 से गुना करना, रोहित ने पूछा रे, और 1 घटाना, इन्हें एक्स निकाल के करना, उत्तर कहाँ आया? यहां से सॉल्व करना हो तो हमको लगता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं मार सकते हैं क्या? मार दें हम तो, देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लोग समझेगा नहीं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, वही करेंगे। 2 से मारते हैं, 2×3 = 6x - 2 = हो जाएगा बच्चों 7x - 7 - 12, क्या सही है? 13 कहाँ से 13? अरे 2×3 = 6 - 2 = इधर क्या आया? हद स्थिति यार, x का मान दोनों घटेगा कितना, लेकिन समस्या कहाँ होगी? 7x - 7 - 12 ठीक तो है रे? 19 में 2 गया, x का मान 17 नहीं निकला, 17×3 = 51 - 1 50। तो ये हम एक के लाइन में किए, तुम लोग समझा? कैलकुलेशन का हवा ही नहीं लगा। अरे इधर एलसीएम भी ले लिए मनी मन, और मल्टीप्लाई भी मार दिए क्रॉस, ठीक है? तो इतना डायरेक्ट तो कर ही सकते हो। अच्छा बाबू नहीं भी समझा तो इसको सॉल्व करके तुम लोग वैल्यू निकाल सकता है कि नहीं एक्स का? और एक्स निकला तो रोहित का ये क्या माना था तुम? 1 वर्ष बाद का उम्र है, 1 वर्ष बाद। तो एक्स का मान 17 तो रोहित का 3x × 17, तो 1 साल बाद किसी का होगा 51, तो वर्तमान कितने का होगा? 50 का होगा। समझ में आया? तो रेशियो ही ठीक मेथड है ना? बिल्कुल। आइए नेक्स्ट, एक परीक्षा में 51% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं,
45% गणित में अनुत्तीर्ण रहते हैं, यदि 21% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहते हैं और 169 छात्र परीक्षा में, देखो यहाँ शब्द बड़ा समझना, और केवल मतलब ये 169 जो है ना बच्चों वो दोनों में पास हुआ है, 169 दोनों में पास वाला डाटा है ये समझ लीजिएगा, तो परीक्षा में उपस्थित हुए छात्रों की कुल संख्या कितनी है याद करिए, यदि आप लोग प्रतिशत पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो यहाँ समझ लीजिए और इस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा याद रखना। अंग्रेजी में कितना परसेंट पास बताओ, जो बता रहे हैं बस उसको दिमाग में एडजस्ट करके रखिएगा, और गणित यानी मैथ में कितना, 45% पास की फेल, अरे बालक अनुत्तीर्ण मतलब फेल होता है ना, तो फेल ना, देखो फिर जो लिख दिए कहा लिखिए ना, कोई दिक्कत कहाँ ध्यान था तुम लोग, पास लिख दिए तो पास में काहे ने बोला कि सर पास कैसे हो गया, इससे ये साबित होता है कि लोग लिखिए जो जो कहिएगा सब ठीक है, हम लोग तो बस सर आपका समर्थन के लिए बैठे हैं, हाँ में हाँ ना में ना, बड़ा बेवकूफ सब आदमी, ये भी फेल और 21% भी दोनों, दोनों मतलब बोथ बोथ मैथ प्लस इंग्लिश दोनों में कितना 21% क्या फेल, और दोनों में पास, दोनों में पास का डाटा कितना 169, ये क्या हुआ पास, आपसे पूछ रहा बताओ उस परीक्षा में टोटल कितना बैठा था, राइट। इस क्वेश्चन के पैटर्न को याद करो, देखो हम क्या बताने जा रहे हैं, दो सब्जेक्ट का परीक्षा हुआ, एक इंग्लिश का और एक, डाटा जो दिया सारा देखो एक जैसा है, फेल फेल फेल, और दोनों में पास का संख्या दे रखा है, प्रतिशत नहीं दिया, किसका संख्या। इसका संख्या दे दिया, प्रतिशत नहीं दिया, हम लोग पता करते हैं दोनों में पास का प्रतिशत कितना है, यह सवाल साधारण तरीके से तो नहीं है समझेगा, हमको पता है लेकिन पैटर्न इसका याद रखिए, समझाने के लिए पूरा लेक्चर लेना पड़ता है, ऐसे सवाल में आप क्या करो ना, दोनों सब्जेक्ट के डाटा को जोड़ो, इसको जोड़ेंगे तो कितना आया बोलो, जोड़ने के बाद जो दोनों वाला है उसको घटा दीजिए, कितना आया बोलो 75, ये 100 से कितना कम है, तो ये जो डाटा आया ये डाटा दोनों में पास का प्रतिशत निकल गया, दोनों में पास। और पास का संख्या कितना, यानी 25% का वैल्यू 169, तो टोटल मतलब 100%, टोटल मतलब बताओ ये कितना गुना हुआ, इधर भी चार गुना करो, चार नामा इकाई अंक सही पकड़ा गया, इक्के ठो इकाई अंक छो, सही है ना, गुना कर लो ठीक, समझ में आया, पहले सवाल का पैटर्न याद रखो, फेल फेल फेल, या इसी में सवाल दे देगा पास पास पास, तो भी इसी तरह करना है, सेम इसी तरह, क्या है इसी तरह, मतलब दोनों सब्जेक्ट वाले डाटा को जोड़ दीजिए, उसमें से दोनों वाला घटा दीजिए और उसके बाद पता करो 100 से कितना कम, 100 से कितना, जितना कम वो डाटा निकलेगा वही जो छूटा हुआ है, जो छूटा हुआ है वो डाटा निकलेगा, दो जब एग्जाम होता है दो सब्जेक्ट का तो चार कंडीशन आता है मुख्य रूप से, कितने कंडीशन, चार कंडीशन आते हैं, क्या क्या, सिर्फ मैथ में, सिर्फ अंग्रेजी में, सिर्फ मैथ में पास, सिर्फ अंग्रेजी में, इसका उल्टा आप समझ सकते हैं ना, जैसे हम बोले सिर्फ अंग्रेजी में पास मतलब दूसरा में फेल, सिर्फ मैथ में पास, सिर्फ अंग्रेजी में पास, दोनों में पास, और एक होगा एक्सलेंट बच्चा दोनों में साफ, वो सबसे तेज होता है, होता है कि नहीं, चलो बालक बना रहे जल्दी से, ए पाइप और बी दो पाइप है, एक टंकी को 4 घंटे और 16 घंटे में भरता है, दोनों मिलकर कितना देर में भरेगा, कौन कौन बनाया हम यही देख लेते हैं पहले, जानता भी कितना लोग है, देखिए वही जानता है जो पढ़ा है, जो नए पढ़ा हुई सवाल को जानता भी नहीं है, इससे यही साबित होता है कि मैट्रिक अपने मन से पास, क्योंकि हर वो बच्चा जो मैट्रिक अपने मेरिट से पास करेगा वही क्वेश्चन तो जरूर बनाएगा, नहीं बनाएगा, बन गया तो तू मैट्रिक पास किया होगा अपने से ना, समझ गया ना, देखो जब कभी भी ऐसा सवाल हो बच्चों, ए पाइप किसी टंकी को एक्स घंटे में
बी पाइप उसी टंकी को वाई घंटे में, फिर कहेगा दोनों मिलकर कितने घंटे में, तो ऐसे सवाल में एक फॉर्मूला लगा देना एक्स गुना वाई बटे, कोई दिक्कत क्या? तो पहला 4 घंटा, दूसरा 16 घंटा, और दोनों का योग 16 4 4 5 20, 16/5 आंसर ए। ठीक है, चलो अब ये भी वो सवाल बनाएगा जो मैट्रिक बढ़िया से पास किया है अपने मन से, जो जो नहीं बनाया गारंटी वो दूसरे मन से पास किया, वो बगल वाला का छापा होगा या चीट पुर्जा लेके घुसा होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा। क्या चीट पुर्जा लेके नहीं घुसा होगा? यदि सेंटर पर चोरी चल रहा हो खूब जबरदस्त, खूब खुलिया, तो क्या लगता है जो खूब पढ़ के गया एकदम तेज का, वो भी गैस पेपर लेके जाता है? वो भी नहीं छोड़ता है, कहता है क्या पता कुछ हम भूल ही जाए, काहे छोड़ेंगे, है ना? बना ये सवाल, कितने बच्चे हाथ उठाएंगे? शाबाश, आ जाओ। देखो बुरा नहीं मानना, कोई यदि नया बच्चा है शुरुआती किया अभी पढ़ने का, तो वो बुरा नहीं मानना कि सर बार बार बोलते हैं कि तुम मैट्रिक अपने मन से पास नहीं किया है, इतना आप मेरे ऊपर ब्लेम लगाते हैं आज तक कोई नहीं लगाया है, और हम तो अपने जिला के टॉपर हैं, और मेरा मान मेरा तो मान सम्मान भी बहुत है, तो कोई बात नहीं, ये आप लोगों के बीच हम ऐसे ही थोड़ा सा बोल लेते हैं। देखो यदि किसी पिज्जा कौन कौन लोग खाया यहाँ पे? सब नहीं खाया है? अच्छा कोई बात, पिज्जा खाना अपने पैसा से, पहले नौकरी ले लो तब पिज्जा उज्जा खाना, ठीक है? यदि एक पिज्जा का कितना भाग, देखो कहा एक पिज्जा है जिसका 5/3 भाग खाओगे तुमको पैसा कितना देना होगा? 300 रुपया। तो कहा उल्टा कर दो, 3/5 भाग खाओगे तो कितना देना होगा? तो बच्चों ऊपर से ऊपर कटा सकते हो कि नहीं? तो यहां से एक का मान 60 दिया, और एक भाग मतलब हुआ पूरा भाग, एक मतलब कंप्लीट, भिन्न में एक मतलब टोटल होता है, यानी उस पिज्जा का टोटल दाम कितना? 180। पिज्जा का टोटल दाम, तो पिज्जा का आधा दाम, आधा पिज्जा का दाम 90, तो जितना भाग खाएंगे पैसा का उतना भाग देना होगा, तो कितना भाग का दाम पूछा? इसका 3/5 निकाल दीजिए, 5 से बच्चों 36 बार में 36 दिया 108 रुपया दाम पड़ेगा, कोई दिक्कत क्या? ओ हमको लगा क्या हम पूछ रहे हैं कोई दिक्कत, ये ऐसे करके देख रहा है, तुम बोले कौन दिक्कत हो गया, जबकि ये तो क्वेश्चन देख रहा है, काहे कोई मेरा बात सुने। चलो बनो, सॉल्यूशन भी ना लिख पा रहे तो टेंशन है, ये सारा यूट्यूब पर जाएगा, काहे टेंशन ले रहे, सारा वीडियो डाला जाएगा यूट्यूब पर, और आराम से फिर से दोबारा सुनो समझो, क्या हो सकता है ना ये वाला नहीं समझे फिर इस वीडियो को थोड़ा देखो तो क्या क्या सर बोल रहे थे, तो फायदा होगा आपको। ये सवाल भी एकदम बउआ, कैसा वाला? बउआ वाला सवाल है, बउआ। ए बी और सी किसी काम को एक साथ मिलकर कितने दिन में बच्चों? जब तीनों साथ मिला तो 10 दिन में, जबकि ए अकेला कितना दिन में, और बी अकेला कहता है, बताओ सी अकेला कितने दिन में? क्या एक बात बताओ, तीनों मिलकर कितना दिन में? तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना? 1/10। तीनों मिलकर एक दिन में 1/10, और तीनों के एक दिन के काम में से ए का एक दिन का काम और बी का एक दिन का काम घटा देते हैं, तो एक दिन का काम कितना? 1/20, और बी का एक दिन का काम कितना? 1/30। दोनों के एक दिन के काम को घटा देते हैं, घटा देंगे तो किसका बचेगा बोलो? सी का एक दिन का काम। सॉल्व करो तो एलसीएम 10 × 6 = 20 + 6 − 5 ये किसका निकला बताओ? तुम सी का एक दिन का काम है 1/7, तो एक दिन के काम का उल्टा होता है उसका टोटल टाइम, इसका उल्टा दैट इज 60, यानी सी पूरा काम कितने दिन में? जो टाइम एंड वर्क नहीं भी पढ़ा है क्या नहीं बुझा?
कि कहीं पहले मानसिक रूप में ये तो नहीं साइकोलॉजी बैठा लिया, ओ ये है टाइम एंड वर्क का सवाल ना, ओ ये तो हम पढ़े ही नहीं हैं तो हम क्यों समझें, और यदि हम नहीं भी समझें तो हम इसलिए नहीं समझें क्योंकि टाइम एंड वर्क पढ़े नहीं हैं। अपने आप को ढाढ़स ऐसे देता है ना, अरे ये तुम नहीं समझा, नहीं समझा, अरे इसलिए नहीं समझा तुम पढ़ा ही नहीं है, काहे टेंशन ले रहा है। चलो ये बनाओ, इतना प्यारा सा सवाल। आज तुम लोग को रेलवे का सवाल बनवा रहे हैं बाबू, रेलवे किसका, भारतीय रेल का सवाल है, इंडियन रेलवे। आप लोगों को नहीं दिख रहा है क्या, लीजिए। देखते ही सवाल इट के, पहली बात आप फिगर ही बहुत उल्टा बना लिए, पेड़ को पहले उल्टाइए, आप तो पेड़ को त्रिभुज बना दिए हैं, बनाइए जैसे भी बनाना है, पेड़ को उल्टा के लटका दीजिए जहां लटका। ये भी सवाल बनाने आ रहा है कि नहीं किसी बच्चे को, रेलवे सब पूछता है, रेलवे एडवांस नहीं पूछता है, रेलवे का सिलेबस देखे क्या क्या पूछ रहा है, नहीं देखे हैं, दो परीक्षा होगा सा, सीबीटी 1 सीबीटी 2। चलो देखो, एक तूफान आया, मान लो ये पेड़ है, ये क्या है, पेड़ टूट गया यहां से, वो ये ने बोला है बीच से टूटा है, लगभग बीच, क्या बोला, लगभग बीच से टूट गया, तो लगभग बीच मान लो यहां से, ठीक है, और यहां से टूट के क्या हुआ, जमीन पर, ऐसे पेड़ टूटता है तो नहीं लग जाता है, हाँ, ये टूट के यहां लग गया, और कहता है जड़ से आधार से कितने दूरी पे जाके टिका, 12 मीटर, कितना, 12 मीटर, जड़ से आधार से कितने मीटर ऊंचाई पर टूटा, 5, ये हाइट कितना, 5 मीटर। तो देखो ये समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज में तुम लोग को रटाए थे 5, 12, 13, याद नहीं होगा, याद है, 5, 12, 13 समकोण त्रिभुज की भुजा होता है, या फिर नहीं भी आता है तो लंब और आधार दिया है तो कर्ण नहीं निकाल सकते हो, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोर आधार स्क्वायर, तो 25, 144, 169, 169 का वर्गमूल। लेकिन आप बेहतर हो कि ये सब याद रखिए, 5, 12, 13 याद रखिए, समकोण त्रिभुज की भुजा होती है, जहां 5, 12 मिला दूसरा 13 मारो, 13, 5 मिला 12 मारो, बात समझ में आ रहा है, तो ये हाइट इसी हाइट के बराबर होगा कि नहीं, बोलो ना, तो पूछा क्या था, टूटे हुए हिस्से की लंबाई बताइए, टूटे हुए, यही ना टूटा है, अरे आंसर कितना, 13, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत, अगला बार पेड़ तोड़ेंगे तो बना देंगे ना। इस सवाल का आंसर यदि कोई यदि 10 सेकंड से ज्यादा लिया है तो पाप चढ़ेगा तुम पर, 0.62 आपने ये कहा, कोई बच्चा बी आंसर दे रहा है, ठीक है, आप भी वही दे रहे हैं, ठीक है, दो बच्चा का बी आंसर, आपका भी वही है बी आंसर, ठीक, आपका 0.62, बहुत बढ़िया, और देख लेते हैं, 0.62, बहुत बढ़िया, यानी सभी आप चले गए बी में, अब आइए, 8.14, देखे देखे सब गुंडा को, हाँ, एक बोल दिया तो विश्वास हो गया, दूसरा हो ही नहीं सकता है, हाँ, ऐसे ही हमारे देश में फॉलोअर्स है ना, बोला जय श्री राम तो कहा जय श्री राम, ना बोलने वाला जय श्री राम का मीनिंग समझ रहा है ना बोलवाने वाला समझ रहा है, मीनिंग जानो, भगवान श्री राम को भी लोग बदनाम कर रहे हैं आज के डेट में। देखो कहा दास प्राप्त करने के लिए इस दोनों के अंतर में कितना जोड़ना होगा, तो पहले इस दोनों का अंतर ना निकालोगे, 5.62, 3.76, 12 में 6 गया 6, 15 में 7 गया 8, 4 में 3 गया, दोनों का अंतर ये आया,
और देखो अपनी भाषा में ऐसे समझो, ठीक है, जैसे दूसरा तीसरा के बच्चे को कैसे समझाओगे, बच्चा को पूछता है तीसरा क्लास में इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये प्राप्त हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, फिर अगला पूछता है इसमें क्या घटाया जाए कि ये मिल जाए, अब बच्चा को कैसे समझाइएगा, एक बार कहीं जोड़ते हैं आप एक बार घटाते हैं, बच्चा कंफ्यूज है, भैया ये तो बताओ कि कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है, तो आपका दिमाग खराब होगा तो आप रटवा दीजिएगा, ऐसा बोला तो ये ऐसा बोला तो वो, तीसरा क्लास के बच्चों को कैसे समझाएंगे, और ये सब क्वेश्चन है वहाँ। तो देखो जैसे हम सवाल पूछते हैं ध्यान से सुनना, पांच में क्या जोड़ें जो आठ हो जाए, अरे दोनों को घटाओ, आंसर हमने क्या कहा, पांच में क्या जोड़ें जो आठ हो जाए, तुम सब पांच में जोड़ के आठ बनाया होगा, गारंटी तुम्हारा साइकोलॉजी बता रहे हैं, हम पूछे पांच में क्या जोड़ें जो आठ, तो तुम लोग पांच तीन किया कि नहीं, पांच तीन आठ ऐसे किया था ना, कोई ऐसा बच्चा जो दोनों को घटाया, कोई भी नहीं, ईमानदारी से बताओ, झूठ बोलता है सर। सात में क्या जोड़े जो पंद्रह हो जाए, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर आंसर, फिर देखना सुनो सुनो, आठ में क्या घटाएं कि छह हो जाए, हम बच्चा को बोले दोनों ही केस में बाबू घटाइए देना, तुम खाली घटाओ उत्तर आता जाएगा, लेकिन ध्यान रखना घटाते समय बड़ा में छोटा घटाना, बोलो कोई कंफ्यूजन होगा बच्चों को, कभी भी पूछे क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, तुम हमेशा दोनों में घटा ही देना, बड़े में छोटे घटा तो उत्तर आया करेगा, समझ में आया, तो दोनों का अंतर ये आया, कहा इसमें क्या जोड़ा जाए, दस प्राप्त करने के लिए इसमें इसके अंतर, अरे अंतर तो यही आया ना, अब इसमें क्या जोड़ें कि ये मिल जाए, तो दोनों का घटा देंगे अंतर, तो दस में एक घटाओ नौ, और नौ में फिर 8.6 घटाओ आठ, सीधे पहली बात तो सीधे आठ पर आओगे, किस पर आओगे, जहां दिखा वहां उत्तर मारो, है कि नहीं है, ऐसे क्वेश्चन का भी उत्तर आपने नहीं दिया, और दिया भी तो गलत दिया, इस बात से आपको क्या होना चाहिए, अफसोस, क्या होना चाहिए, लेकिन यहां के बच्चे को अफसोस तनिक भी नहीं होता है, नहीं बनता है और मुस्कुराता है, जानता है ही नहीं बना, मतलब गजब सा मुस्कुराहट और खुशी मिलता है उसको, क्यों, क्योंकि लाज शर्म है ही नहीं, बेशरम है, क्या है, उसको पूछिए आठ में क्या जोड़ें जो चौदह हो जाए, कहेगा सात, हो गया गलती, और दांत निकाल के हंस रहा है, सोचिए, चलो बनो, त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाइयां 15, 36 और 39 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर इसके भीतर एक छोटा त्रिभुज बनाया गया है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जानता तो है नहीं, बनेगा भी नहीं, झूठो क्या दिमाग लगा रहा है, सीधा हमको देखो, हमको नहीं मतलब बोर्ड को देखो, ये त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है, इस त्रिभुज का तीन भुजा है, कितना भुजा है, तीनों भुजा का मध्य बिंदु, तीनों भुजा का मध्य बिंदु, यही ना बोला है, देखो त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ कर इसके भीतर एक छोटा त्रिभुज बनेगा, जोड़ो ऐसे, क्या ये त्रिभुज बना कि नहीं, बोलो, याद रखना एक ज्योमेट्री का थ्योरी है, ऐसे तुमको याद नहीं रहेगा, इसकी 200% गारंटी कि तुम हर चीज आगे बढ़ के लिए पढ़ता है, कुछ बच्चा पढ़ता है एग्जाम निकालने तक के लिए, कि जब तक नहीं निकलेगा तब तक याद रखेंगे, और तुम लोग इस सोमवार तक के लिए, मंगल से देखा जाएगा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बड़ा वाला त्रिभुज चार बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बट जाता है, क्या ठो त्रिभुज दिख रहा है, गिनो, एक दो तीन, ये बड़का ने गिनना, ओरिजिनिंग वाला सवाल ने है पांच, ये बड़ा वाला त्रिभुज क्या पार्ट में बटा, एक दो तीन, और चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बस, बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, चार से भाग लगा देंगे तो बिचला का निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, अरे चारों का बराबर है,
तो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के चार से भाग दोगे कि नहीं, तो बरका का कैसे निकलेगा क्षेत्रफल? कौन सा एस लगाने में तो बर्बाद हो जाइएगा, हीरोइन फॉर्मूला। अभिषेक हीरोइन को नहीं बोलता है। अरे देखो देखो बालक, एक बात बताओ, यहाँ जितना भी बच्चा बैठा है एक बात हम बार बार समझा देते हैं। सबसे पहली बात, इस बैच को सब नहीं झेल पाता है, समझ गए? इस बैच को वही झेल पाता है जो बच्चा 6 महीने में रिजल्ट देना चाहता है। कितने महीने में? 6 महीने। जो 6 साल में रिजल्ट देगा वो ये सब बैच झेल ही नहीं पाए, ये तय। क्योंकि एक दिन में बहुत ज्ञान मिल रहा है, एक दिन में बहुत ज्ञान मिलता है और सब ले ही नहीं पाता है। अभी तुम लोग को बताया, अच्छा एक बात बताओ, दिमाग लगाओ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। अभी देखो उसने क्या कहा, हीरोइन लगा देंगे। जरा गौर करो, अभी तुम लोग को बताए थे 5, 12, 13 बोले थे, हाँ या ना बोलो? 5, 12, 13 यदि किसी भी त्रिभुज की भुजा नजर आ जाए तो वो त्रिभुज कैसा होता है? समकोण होता है। वो त्रिभुज कैसा होता है बालक? या तो डायरेक्ट 5, 12, 13 नजर आ जाए, या फिर उस तीनों भुजा का रेशियो जब निकालो तो 5, 12, 13 नजर आ जाए। तो रेशियो भी आ जाए तब भी समझना कि वो समकोण त्रिभुज की ही भुजा। जैसे सभी में 2 से गुणा कर दो, 2 5 12 2 और 13 2, तो ये तीनों भी समकोण त्रिभुज की ही भुजा है। अच्छा कुछ बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर समकोण त्रिभुज की भुजा मतलब क्या, ये क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज की भुजा है, ये काहे ने बोलते हैं समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो समकोण त्रिभुज की भुजा होने का मतलब क्या हुआ है? देखिए हम समकोण त्रिभुज थोड़े समझा रहे हैं, भुजा के बारे में बोल रहे हैं। ये समकोण त्रिभुज की ही भुजा है, ये कैसे पकड़ते हैं? तो समकोण त्रिभुज की जब भी भुजा होगा, अरे कोई भी त्रिभुज में 3 भुजा होगा, लेकिन ये भुजा समकोण त्रिभुज की ही भुजा है। इसको जांच करने के लिए आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोर। तो जो भी इसको सेटिस्फाई कर देगा वो समकोण त्रिभुज की भुजा होगा, ये बात ध्यान रखिए। और कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। आप बताओ ये सबसे बड़ा है या नहीं? बोलो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ो और दोनों को जोड़ो, देखो इसके बराबर होता है कि नहीं? नहीं हो रहा है, इसलिए वो समकोण त्रिभुज की भुजा है। अब इतना भी करने का फुर्सत एग्जाम में नहीं होता है, तो कुछ चीज को क्या करिए, याद कर लीजिए, क्योंकि वो बार बार परीक्षा में पूछता है। तो जो बार बार पूछेगा उसको क्या करना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। तो देखो अभी सीखे आप 5, 12, 13 किस त्रिभुज की भुजा होती है। 2 से गुणा कर दीजिए तो क्या मिला? 10, 24। 3 से गुणा करो, 3 5 12 13 ये भी समकोण त्रिभुज की भुजा होगी। और यही दिया है, झांको दिया है कि नहीं? तो हम कितना याद रखेंगे, सवाल ये उठता है। फेमस को याद रखिए और बराबर दे रेशियो निकालिए। क्या निकालिए? रेशियो। रेशियो मतलब तीनों किससे कटेगा, किससे कट रहा है? 3 से। 3 5 3 से और 3 से, तो 5, 12, 13 तो आप याद किए हैं, आपके दिमाग में हिट हो जाना चाहिए कि ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। और समकोण त्रिभुज का भुजा पता चल गया तो उसका क्षेत्रफल निकालना बहुत इजी होता है। क्या होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल? क्या होता है? सुजीत इतना स्पीड और कॉन्फिडेंस में बोला और हम जो कुछ नहीं बोले तो उसका वो मुंह देखने लगा कहीं गलत तो नहीं बोल दिए। मतलब हर आदमी बोलने के बाद समर्थन खोजता है कि यार हम जो बोल दिए, मतलब सर साइलेंट हो रहे हैं, मतलब तुम लोग कुछ बोलो तो सही है ना। देखो अब समकोण त्रिभुज की भुजा का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वो भी कुछ बच्चा तो पहचानने में लग जाता है कौन आधार है कौन सा लंब है। देखो वो कहेगा 1/2 गुना आधार, सर इसमें आधार कौन है? अरे बेवकूफ, ये आधार कौन है ये सब भूल जाओ, ठीक है? क्षेत्रफल कैसे
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लिखना बता देते हैं। बरका को हटा दो, बरका को दोनों को गुना करके दो से भाग लगाओ, दो छोटका भुजा को गुना करके दो से भाग लगाएंगे समकोण त्रिभुज की। अच्छा बताओ रे, पीछे बैठा हुआ बालक 3 4 5 ये समकोण त्रिभुज की भुजा है, बोल दिए, बताइए आप, आपके आगे उठाइए उठिए, इसका क्षेत्रफल क्या होगा है, देख बोलना शुरू किया ना 1/2। हाँ अभी हम क्या बोले, दो छोटका को गुना करके दो से भाग लगाना, कुछ नहीं सीखता, 4 3 12 1/2 नहीं आसानी से निकलेगा। कोई भी चीज़ को आसानी से समझिए और आसानी से करिए। चलो बताओ, तो ये समकोण त्रिभुज की क्या है, भुजा है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, दो छोटका, छोटका दो ठो कौन है, 5 ओरिजिनल ले लेना है, तो ओरिजिनल क्या, 15 × 36 और इसको क्या करें, दो से भाग लगा दें, ये बरका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। और आपसे पूछा था ये बीच वाले का छटका का, तो क्या करें, 4 से भाग लगाएं, तो 4 नीचे ही गुणा हो जाएगा, 4 9 15 9 / 2 भाग लगाओ, 2 6 2 7 कहीं मिला, कौन सा डी नंबर होना चाहिए, 67.7। कोई तकलीफ बच्चों, ये भी देखो दसमा में पढ़ा होगा, दसमा में नहीं था परिमेय करो, परिमेयकरण, तो कैसे करता था परिमेयकरण याद है तुमको, कंजुगेट से गुणा, हाँ प्लस है बीच में तो माइनस ऊपर नीचे गुणा होगा, 5 − 2√3 और बटे 5 − 2√3 और ऊपर ऊपर गुणा करो, तो 5 − 2√3 नीचे हमेशा आएगा a + b × a − दैट इज a² − 5² − इसका स्क्वायर बताओ, 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 चार तिया, तो 5 − 2√3/13 कहाँ है आंसर, ये आंसर ठीक है, कोई दिक्कत, आप लोग समझने में व्यस्त रहिए ना, आप लोग छापने में क्यों व्यस्त, खूब समझ, कॉपी में तभी बनाइए जब हम बोल रहे हैं बनाइए, है या नहीं, बना देने के बाद छापने की जरूरत नहीं है, सारा YouTube पे जाएगा ये वीडियो, काहे टेंशन है, रिकॉर्डिंग किस लिए हो रहा है। चलो बालक बनाओ, पाइप ए और बी एक साथ काम करने पर खाली टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं, यदि ए को 2 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है तो टैंक भरने में कुल 42 घंटे लेते हैं, खाली टैंक को भरने के लिए ए को अकेले कितना समय लगेगा, साथी मेरे सुन तो जरा, लेंगे हजारों जरा, होंगे जुदा तेरी कसम, तेरी कसम, हो गया मना, कैसे मनाए आप लोग, ऑप्शंस ऑप्शंस बन गए, चलिए ऑप्शन से ही बनाते हैं, बेहतर होगा कि सवाल को ऑप्शन से ही बनाएं, कुछ सवाल को ऑप्शन से बनाना ही बेहतर होता है, राइट, देखो कैसे, ए और बी दोनों मिलकर कितने घंटे में, फिर कहता है कि जब ए को 2 घंटे बाद क्या करिएगा, बंद कर दीजिएगा, तो भरने में आपको कितना टाइम लग गया, 42 घंटे लग जाएंगे, तो कहता है बताओ अकेला ए भरता तो उसे कितना घंटा, कोई दिक्कत बताओ, ये वाला आंसर तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए, कैसे, यदि ए को 12 घंटा लग रहा है, ए को 12 घंटा लग रहा है, तो क्या ए और बी दोनों मिलकर करेगा तो 12 ही घंटा लगेगा, इसका मतलब बी क्या है,
भी लंगरा है किसी के लायक ही नहीं है, तो जब लायक ही नहीं तो उसको काम पे क्यों लगाया है, सोचने वाली बात है। तो जब भी दो आदमी मिलेगा तो टाइम और घटेगा, घटेगा कि नहीं। यदि ए अकेला ही 12 दिन में कर रहा है तो दो आदमी मिलेगा तो 12 दिन में रे 12 से ज्यादा लगेगा ना, 12 ज्यादा लगेगा ना, 12 से कम लगेगा, क्या लगेगा? तो इसीलिए ये ऑप्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बच्चा अब आपके दिमाग में जाएगा 13, कैसे नहीं हो सकता? एक तो एलसीएम भी थोड़ा सा लगता है कि कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, अटपटा सा लग रहा है। अब कहिएगा सर ये सब कौन कॉन्सेप्ट है, आप कहते हैं अटपटा लग रहा है, बच्चा कहेगा हमको तो बढ़िया लग रहा है, तब इसका क्या जवाब है? तो बालक जब तुम मैथ पढ़ोगे तुमको भी समझ में आएगा कि ये सब जो है, जैसे 12 और 13 का एलसीएम 12 गुना 13 जा रहा है तो थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और बहुत कम का फासला भी देखिए ना, 12 और 13 बहुत एकदम स्लाइट का, थोड़ा सा भी तो, अरे दो आदमी मिला तो दो चार दिन तो घटना चाहिए। yes, मतलब ऐसा थोड़ी को लंगरा ले आए थे काम करने के लिए। पता नहीं अब ये सब कॉन्सेप्ट बच्चा फॉलो कर पा रहा है कि नहीं, कहेगा आप डायरेक्ट बी पर आएगा लगता वही उत्तर है क्या? तो आप 13 पे भी चेक कर लीजिए, जो काम हम बी पे करेंगे ना वो काम आप ए पे कर लीजिएगा। ए सेटिस्फाई नहीं होगा तो आप बी पे जाइएगा ही, जाइएगा कि नहीं? चलिए बी को चेक करते हैं, ठीक है। ये जो ऑप्शन है वो किसका है? ए का। ए अकेले कितना देर में? तो मान लीजिए कि देखते हैं कि ए अकेला यदि 16 घंटे में करता है तो क्वेश्चन में दिया गया सारा डाटा संतुष्ट होना चाहिए, संतुष्ट करा के देखिए। यदि ए बच्चों 16 दिन में, तो आपको बताना है बी कितना दिन में, दोनों मिलकर 12 घंटे, जिसमें ए अकेला 16 दिन, तो बी कितना दिन? तो आप यहां पे करिए ना, दोनों का एक दिन का काम कितना, और दोनों के एक दिन के काम में ए का एक दिन का काम घटा दीजिए, तो आपको बी का एक दिन का काम मिलेगा। एलसीएम कितना? 48। बोलो 4 - 3 1/48, यानी ये कितने दिन में? बी का एक दिन का काम क्या निकला? 1/, और एक दिन के काम का उल्टा टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम। तो आपने पता कर लिया कि यदि ए 16 घंटे में तो बी 48 में। चलिए तो ये वाला डाटा तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से हमने पता किया कि बी कितना घंटा में करता है, तो पता चला बी 48 घंटा। तब ये वाला भी डाटा सेटिस्फाई होना चाहिए कि नहीं? 42 घंटा। ये 42 घंटा कब लगा? जब ए 2 घंटा करके भाग गया, शुरुआत दोनों किया था एक साथ, और ए 2 घंटा करके, और तब काम कितने घंटा चला? तो इसमें बताओ तो बी कितना घंटा काम किया? लॉजिक तो कम से कम बताया करो, सवाल तो दूर की बात है, लॉजिक तो बताओ। ए और बी दोनों साथ काम किया, ठीक, और ए भाग गया, एक था बॉयफ्रेंड एक था गर्लफ्रेंड, देखना इसके दिमाग में तुरंत हिट हो जाएगा, ठीक है। और क्या हुआ? गर्लफ्रेंड बीच में धोखा देके भाग गई, दो ही दिन साथ दिया भाग गया, लेकिन लड़का अपने काम में लगा रहा और 42 घंटे में काम पूरा हुआ, तो लड़का कितना दे, कितना घंटा काम किया? शर्मा उन्हें बोल लो है ना, तब ओरिजिनल बच्चा है। ये लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में बिजी हो गया, उस सवाल बनाने में बिजी है, वो समझ गए। अरे कैसा बुद्धू सब, देखते हैं ना, तुम लोगों को तो सही में छोड़ के भाग जाएगा, और भागना भी चाहिए, जिसको इतना दिमाग ना हो तो उसको छोड़ेगा ना तो क्या करेगा। सोचिए दोनों मिलकर साथ शुरुआत किया और 2 घंटा में भाग गया, कौन? लड़की। और हमने कहा पूरा काम 42 घंटे में कंप्लीट हुआ, अरे भाई तो लड़का शुरू से अंत तक ना रहा रे, लड़का 42 घंटे ने काम किया, लड़का तो 42 का 42 घंटा ने लगा रहा, और लड़की मात्र 2 घंटे। ये सब बात भी समझाना पड़ता है कि नहीं? चलो
एक कितने घंटे बाद काम छोड़ के भागा, तो दो घंटे में कितना काम, 2/16, एक घंटे में 1/16, दो घंटे में 2/16, 2/8 से कट गया, 2/16, 1/8 बचा कितना, शेष निकालने के लिए घटाओगे, बचा 7/8, जो बचा काम ये किसके द्वारा किया गया होगा, बी के द्वारा, बी के द्वारा, और ये बचा हुआ काम क्या बी, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 42 घंटा लगा, कितना, इसका मतलब इस काम को लड़का को करने में 42 घंटा लगा होगा, क्योंकि लड़का तो शुरू से अंत तक रहा ना, और जितना काम किया वो काम तो दिख रहा है, 7/8 काम किया, एक का काम घटा दिए, जो बचा वो बी का काम होगा, और इतना सा काम करने में बी को कितना समय लगा होगा, बी पूरा काम करने में, तो इतना सा काम करने में टोटल टाइम का 7/8, 48 सच्चा के, देखो डाटा सेटिस्फाई हो गया, यदि 42 नहीं पूरता तो ये ऑप्शन गलत हो जाता, सारा डाटा सेटिस्फाई कर दिए, तो ये है ऑप्शन से बनाने का तरीका। अब क्या चाहते हैं कॉन्सेप्ट से बनाने के लिए, करे बता दीजिए ना, ये तो नहीं है बुझे, वो भी देख लेते हैं बुझते हैं, चलो वो भी दिखा देते तुमको, कॉन्सेप्ट से बनाओगे तो कैसे बनाओगे, तो कॉन्सेप्ट का मतलब तो यही होना होता है कि जो पूछा जाए उसको मान लीजिए, अब उसमें थोड़ा लेंदी होगा और क्या होगा, माना ये पूरा काम करने में एक्स घंटा, माना ये पूरा काम करने में, तो ए 2 घंटा में कितना काम किया होगा, 2/x, बोलो ना रे, 2 घंटा में, अच्छा, और लड़का कितना घंटा, 42, माना लड़का पूरा काम करने में वाई घंटा लेता है, लड़का पूरा काम करने में वाई घंटा लेता है, तो 42 घंटे में कितना, 42/, पूरा काम करने में वाई घंटा, तो 1 घंटा में 1/y, तो 42 घंटा में 42, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो काम कंप्लीट, दैट इज 1, कंप्लीट मतलब 1, भिन्न में कंप्लीट मतलब 1 होता, एक समीकरण यहाँ तैयार हुआ हमारा, और पहला वाला डाटा उठाओ तो कहता है दोनों मिलके, यानी 1 घंटे में ये करेगा 1/x और वो करेगा 1 घंटे में 1/, और दोनों के द्वारा 1 घंटे में किया गया काम 1/, सही है कि नहीं बताओ, यहाँ से आप x निकाल सकते हैं, क्या करेंगे जानते हैं, y को साफ करने की कोशिश करेंगे तो x मिल जाएगा, कैसे साफ होगा, इसको 42 बना लेते हैं, बहुत आसान डाटा, इसको 42 बना दिए तो सब जगह 42 जाएगा, 42 से गुना होगा दोनों तरफ, ये भी क्या बनेगा, दोनों को घटाएंगे कट जाएगा, इस दोनों का अंतर बताओ, मनी मन देखिए घटाने भी नहीं आता है, घट के कितना, 40/x, और इधर भी घटाओ राइट साइड, जल्दी बताओ मनी मन, 20/12, 30/12, 0 0, 3 4 4 4 नहीं आ गया, जो बढ़िया, अच्छा जब अपने से बनाते तब समझ में आता है, बढ़िया है क्या, बनाइए, बना लो जल्दी बनाओ, क्वेश्चन सब देखो बच्चों, क्वेश्चन में दम नहीं है, तुम्हारा क्लास दमदार दे रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं बहुत बारीकी से, हर एक चीज को समझा रहे हैं, इसलिए इतना टाइम दे रहे हैं। यदि छमाही चक्रवृद्धि ब्याज, बच्चों सीधी सी बात है, छमाही किसकी बात हो रही है, छमाही में वर्ष कितने पार्ट में बटेगा बताओ, एक साल को छमाही छमाही करके बांटे हुए कितने पार्ट में, 3, कौन बोला था, नहीं तो हम जो पूछे वही ना बोलिएगा, हाँ हम पूछे इंटरव्यू में गए, पूछे आपका नाम, बोल दीजिएगा पिताजी का नाम, तो गड़बड़ होगा कि नहीं, छमाही ठीक है, छमाही का मतलब साल कितने पार्ट में, 6 महीना 6 महीना 2 पार्ट, तो जब छमाही होता है तो रेट में 2 से भाग, रेट में 2 से भाग, और समय में 2 से गुणा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ध्यान दो, कितने माह का पूछा है, तो 18 माह 6 माह 6 माह 6 माह कितना पार्ट, 3 पार्ट राइट, हमारा मूलधन क्या है बच्चों, क्या है,
अच्छा छमाही हुआ तो रेट में क्या होगा, दो से भाग, रेट में तो कितना हो गया बताओ 10%। बच्चों आपसे पूछा है राशि क्या होगा, 18 माह के बाद वो राशि क्या बनेगा, मतलब क्या पूछ रहा है, मिश्र धन, क्या पूछ रहा है, मिश्र धन, दैट इज अमाउंट, राइट। मूलधन दिया हुआ हो, मिश्र धन पूछ रहा हो, तो होल वैल्यू का सीधा गुणा कर दो, होल वैल्यू मतलब वो 10% का होल वैल्यू, 10/100 कटाओगे तो 1/10 और वृद्धि में जोड़ा जाता है, दैट इज ये क्या बन गया 11/ और जितना बार उतना बार क्या करोगे गुणा, 3 बार कितने, अरे 3 पार्ट में बट रहा है ना 18 माह, 3 पीरियड बोलते हैं, तो 3 बार गुना करेंगे तो पावर 3 डाल दो, बोलो 10 का क्यूब 1000 है, अरे 10 का क्यूब काहे घबरा रहे हो, 1 0 बचा, 11 का क्यूब 1 0 और बैठेगा यानी 13310, कोई दिक्कत, बनाइए। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल, लाभ एवं हानि का सवाल, बनाओ बनाइए, सब बच्चा देखते ही एकदम मारो आंसर। बनाओ बनाओ शुभम, तुम्हारा सब फॉर्म आ गया, इस बार चूका तो फिर गया, जीके बढ़िया है, थोड़ा मैथ और रीजनिंग को अच्छा करो, नौकरी लेना है तो बालक, रेलवे में आ गया। 100 क्वेश्चन है जिसमें 60 क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग, 40 क्वेश्चन है जीके, 60 में लाइए 55 मिनिमम, ऐसे तो 60 में 60 भी ला सकते हैं, 55 और उधर 40 में 20, 55 20 हो गया रैंक, हो गया रिजल्ट, टेंशन किस बात का। और आगे चलिए मेंस में CBT 2 में 70 मैथ और रीजनिंग 50, 70 में 70 सही, 5 तो हटा दीजिए, क्या दीजिए 65 65 और 65 प्लस इधर 25 25 से जोड़िए ना 90 90, ग्रीन सिग्नल, रेलवे ने क्या दे दिया, ग्रीन सिग्नल, आगे बढ़ने दो, हाँ अरे कितने का आया उत्तर गिना चुना, तुम लोगों से नहीं बना है, देखो इस सब से नहीं बनता है, देख रहे हैं सब चोर, सब ये सब का नाम चोर रख देंगे हम, ये सब सवाल को तो एकदम आंधी की तरह उड़ा देना चाहिए, इतना पढ़ के सब सवाल नहीं बनाती है, कहे कि सर जानते हैं रिजल्ट ही नहीं आता है, परीक्षा देते हैं, ये सब क्वेश्चन माफी के लायक है यदि नहीं बना तो। चलो देखो, पहले वो 10% हानि पर बेच रहा था, फिर कहता है यदि 135 रुपये ज्यादा में बेचता ना तो हानि की जगह क्या होने लगता, 8% लाभ हो जाता बच्चों, राइट। एक बात बताओ, पहले 10% की हानि हो रही थी और बाद में 8% का लाभ होने लगा, प्रतिशत में कितने का अंतर हुआ, बोलने दीजिए कितने का, हम 2 सुनना चाह रहे थे लेकिन कोई बोला अंतर 18 का ना कि, कभी कभी जुट जाता है पता नहीं क्यों, हानि से जब लाभ में जाओगे ना बच्चों, और जब अंतर पूछेंगे तो दोनों को जोड़ देना, 10 8 18% का अंतर है। कोई कह रहा है क्या सिखा रहे हैं आप, सही सिखा रहे हैं गलत थोड़ी सिखा रहे हैं, पहले ये लो CP, पहले तुम लॉस में था, कितने परसेंट लॉस में, 10%, और इस बार लॉस में नहीं फायदे में, तो फायदा कहाँ से तुलना होता है, क्रेमुली से ऊपर जाओगे तब ना फायदा, इस बार फायदा कितने का लिया बोलो, 8% का लिया, 8% का फायदा हो गया, अरे यार, अरे देखना यार डिलीट ना हो जा, क्लियर ऑल नोट्स हटा ना, तो यहाँ पे क्या होगा 8%, तो यहाँ से यहाँ का अंतर तुमको 2 ही दिख रहा है, अरे जब आप नो प्रॉफिट नो लॉस में जाते तो 10% ज़्यादा में बेचना होता है, और वहाँ 8% फायदा में गया, 10 8 18 का फर्क हुआ, राइट बच्चों, तो प्रतिशत में कितने का अंतर और रुपये में कितने का अंतर किया, 18% का वैल्यू 135, क्या पूछा है, घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, घड़ी को कैसे बेच रहा था, 10%
10% हानि का मतलब 90% में, कितना परसेंट में, 90% में बेच रहा था। 18 का कितना गुना, इधर भी 5 गुना, 25, 5 × 15 = 17, 675 है। सी नंबर आंसर, आंसर सी नंबर। अभिषेक भी फंस गया था ना। सर जी बात ये है, 2% में लेके बनाते हैं ना, सीपी सर का आ रहा है, सीपी ही सर ने सर मारा है। क्या क्या हो रहा था, 2% का अंतर में थे ना। हाँ 137 में ले दो, 67.5 उत्तर ऑप्शन में है, 177 आ गया, वाह हो गया। क्या एग्जामिनर है, खुश भी होगा सर, ये लोग ऑप्शन में आ गया तो खुश नहीं होंगे, क्या बात कर। लो आज ही पढ़ा रहे थे सुबह 7 बजे, बुलबो नहीं करता हाँ बना के दिखाओ यदि पढ़ा है तो। यदि तुम सच में 7-8 में पढ़ा है और यदि ये सवाल नहीं बनाया तो कहते हैं ना खुद को माफ नहीं करने, माफी के लायक नहीं। क्या पूछा है रे, गति, गति मतलब चाल, स्पीड, चाल बराबर दूरी बेटे, दूरी कितना, समय कितना, मीटर और ये सेकंड, ये हुआ मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5, इसको सीधा मीटर प्रति सेकंड, उसी में उत्तर है मीटर प्रति। ये सब करने की जरूरत भी नहीं है बच्चों, एडवांस दिमाग क्यों लगा रहे हैं हम लोग, ये सब करने की आवश्यकता भी नहीं है, है ना। बस इसी को तो सॉल्व कर देना है, 5 से कटाओ 10 बार में, 5 × 4 = 55, 10 से भाग देंगे 4.5, आंसर, आंसर बिहार। बनो बनो कुछ तो बनो, हर वर्ग के लिए कहते हैं ना, हमारे पास हर वर्ग के लिए, सभी के लिए हमारे पास कुछ न कुछ योजना है, उस योजना का लाभ उठाए, इस योजना का लाभ उठाए रे। कितना बच्चा तो पतो नहीं चला कि योजना आया था, नहीं बना ना। चलो सबसे पहले भाग, 4 × 3 = 6, 6 × 6 = 12 + 40, सही है ना। बड़ा रिस्क होता है सब सवाल में, थोड़ा भी दाएं बाएं गए समस्या हो जाए। सब समझ गया ना,